फ्रेंड्स कैसे हैं आप। आज मैं आपको इस वीडियो में टॉवल रैपिंग के बारे में बताऊंगी कि अपने सलून्स में टॉवल को कैसे रैप करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम सलून में जाते हैं या हम वहाँ पे बैठे होते हैं तो हमें टॉवल इधर उधर नहीं बिखेरने चाहिए, हमेशा अपने टॉवल्स को रैप करके रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये टॉवल ऐसे सीधा बिछा लेंगे इसको, देन हम इसको सेंटर से ऐसे फोल्ड कर देंगे। सेंटर से हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। देन हमने इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको सेंटर में ऐसे रख दिया। दोनों कॉर्नर्स को हमने ऐसे सेंटर में रख दिया। देन हमने इस टॉवल को उल्टा कर लिया। ठीक है, उल्टा कर लिया देन हमने, तो हम फिर इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे कॉर्नर से टाइटली। तो ये हमने टाइटली फोल्ड किया और जो ये वाली नोड है इसको हम इसमें ऐसे बीच में डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है टॉवल रैपिंग। हमने हमेशा सलून में अपने टॉवल इसी तरह से रखने हैं। अब नेक्स्ट है, मैं दूसरी टाइप की टॉवल रैपिंग आपको सिखाऊंगी। इसी टॉवल को हमने खोल लेना है, हमने इस टॉवल को फुल खोल लेना है, ऐसे बिल्कुल सीधा करके बिछा लेना है। देखिए, ये टॉवल मैंने बिल्कुल सीधा करके बिछा लिया है, ऐसे बिल्कुल सीधा। और फर्स्ट कॉर्नर से यहाँ से हमने इसको ऐसे टर्न करना है। ठीक है, ऐसे टर्न करना है। देन हमने इस साइड से भी ऐसे इसको यहाँ से इसको ऐसे टर्न कर लेना है। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे टर्न कर लिया, देखो ऐसी शेप में आएगा ये। देन हमने इसको नीचे से यहाँ से ऐसे टाइटली फोल्ड करते जाना है, बिल्कुल नीटली एंड टाइटली हैंड तक फोल्ड कर लेना है हमने इसको यहाँ तक। तो ये वाला जो कॉर्नर है इसको हमने इसमें डाल देना है। ठीक है, ये देखिए, ये सेकंड टाइप की टॉवल फोल्डिंग है। तो हमने सलून में अपने ऐसे ही टॉवल्स को फोल्ड करके रैप करके रखना है, उनको बिखेर के नहीं रखना। सो फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।